ओम गण गणपति नमः। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और हम आपको लिए आए हैं आज सीहोर के प्रसिद्ध स्वयंभू हरसिद्धि मंदिर में। जी हां, यहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है और यहां पर गणेश उत्सव के दौरान हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और आज हम भी दर्शन के लिए आए हैं। देखते हैं इस मंदिर का सफर कैसा रहता है। गणपति बाप्पा मोरिया। जी हाँ, गणेश उत्सव में भगवान गणेश के दर्शन के लिए हजारों भक्त भगवान के पवित्र स्थान पर जाते हैं और ऐसे में एक माना हुआ मंदिर है सीहोर में स्वयंभू सिद्धि विनायक मंदिर और हम आ पहुंचे हैं आज दर्शन को। तो देखते हैं कि इस मंदिर का सफर कैसे रहता है, क्या कुछ कहता है इसका इतिहास और यहाँ भक्तों का आना क्यों लगातार जारी है, क्या मन्नतें मांगते हैं भक्त यहाँ पर और किस तरीके से भगवान गणेश उनकी मन्नतें पूरी कर देते हैं, इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो गणेश उत्सव में इस खास कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं इस मंदिर में। मंदिर परिसर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तामझाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है और साथ ही मंदिर में एक अलग तरह की सजावट की गई है। कलरफुल पेपर से जो है यहाँ पर पूरा डेकोरेशन किया गया है और एक कह सकते हैं कि जिंदगी में रंग भरने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में रंग भी हो। तो यहाँ पर बिल्कुल मंदिर में भगवान गणेश के आने की खुशी में जो रंग यहाँ पर दिख रहे हैं वो तो देखते ही बनते हैं। तो बिल्कुल आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में इस वक्त हम मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर भक्त जो है लाइन लगाकर आगे की ओर जाते हैं और दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर सुबह सुबह से ही पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है पुजारी जो है यहाँ पर एक पॉलिथिन का जो है शील्ड बनाकर यहाँ पर प्रसाद भी वितरण कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के चलते जो है गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक का पॉलिथीन जो है पूरा लगाया गया है और इसके अंदर से जो है पुजारी सिर्फ प्रसाद ही वितरण जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान को प्रसाद चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर जो है अपनी मन्नत मांगते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान गणेश की ये प्रतिमा जो है ये अभी की नहीं है, कई साल पुरानी है और इसकी भी अपनी कथा है। साथ ही भगवान को खुश करने के लिए भक्त यहाँ पर ना सिर्फ अलग अलग चीजें लेकर आते हैं बल्कि एक उत्साह के साथ आते हैं, एक आस्था के साथ आते हैं। अब ऐसे में हम अगर आगे चले मंदिर का भ्रमण आपको कराएं तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे। जी हाँ,
तो यहाँ परिक्रमा जो लोग करते हैं वो यहाँ से परिक्रमा करते हुए निकलते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर ये बड़ा सा जो है पेड़ है जिसमें कई सारे देवी देवता जो है विराजमान है, और ऐसे में इसे यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। आपको बता दें कि सिद्धि विनायक जो है पेशवाकालीन श्री गणेश धाम से में सभी पूजा पाठ अनुष्ठान आयोजन रचनात्मक कार्यों और साथ ही विशेष रूप से सभी कार्यों के लिए केवल मंदिर के मुख्य पुजारी और जो व्यवस्थापक हैं वही यहाँ पर जो है पूजा कर सकते हैं, वरना अभी फिलहाल के लिए सभी की पूजा जो है बाधित है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल के साथ ही यहाँ पर एक कह सकते नियम होते हैं मंदिर के, तो उन नियमों का पालन करते हुए जो है यहाँ पे पूजा सिर्फ मंदिर की पुजारी करते हैं। तो इसके लिए पूरा एक नोटिस जो है यहाँ पर लगा दिया गया है, साथ ही मास्क लगाकर और आपसी दूरी बनाए रखकर जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा हम आगे अगर चले यहाँ पर, तो यहाँ से ये चीज आपको बता दें, पहले यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं हम, आपको बता दें ये जो जगह है ये वो जगह है जहाँ पर एक साथिया जो है लोग बनाते हैं, एक स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन इस स्वास्तिक की कहानी ये है कि यहाँ पर लोग सीधा स्वास्तिक नहीं बल्कि उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिक बनाकर जो है एक मन्नत मांगते हैं, जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आकर यहाँ पर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह की एक अपनी मान्यता, एक अपनी परंपरा होती है, और यहाँ की परंपरा है कि भक्त जब मन्नत मांगते हैं तो उस वक्त सीधा नहीं बल्कि उल्टा साथिया बनाते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तब सीधा साथिया बनाते हैं। अब चले चलते हैं माँ भगवती श्री शीतला माता के दरबार में, जहाँ पर भगवान भैरव महाराज भी जो है विराजमान है, और ऐसे में ये जो जगह है यहाँ पर भी भगवान भैरव बाबा के साथ माता श्री यहाँ पर यहाँ विराजमान है, यानी कि भगवती माँ यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है एक सजावट जो है पूरी की गई है मंदिर में, और माता रानी को जो है सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके बगल में भैरव महाराज भी विराजमान है, तो वहीं इस मंदिर की भी कई सारी मान्यताएं हैं, और भगवती को जो है यहाँ पर पूज कर लोग जो है अपनी मन्नत मांगते हैं, साथ ही अपने लिए अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि मांगते हैं और खुशियां मांगते हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। मन की शांति के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक खुला वातावरण हो। तो आप बिल्कुल मंदिर में आने के बाद ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, बैठते हैं, कुछ देर चैन की सांस लेते हैं, कुछ शांति के सुकून के पल जो है यहाँ पर व्यतीत करते हैं, क्योंकि मंदिर में आने के बाद एक अपना एक अलग सा सुकून जो है आ जाता है अंदर से, एक भक्ति में जो है अंदर से एक भावना आती है, और वही भावना जो है उसे आस्था हम कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर परिसर है जहाँ पर पीछे साथियां बनाए जाते हैं, तो वहीं यहाँ पर जो है यहाँ पर भगवानों की पूजा की जाती है, तो वहीं भगवती माँ भी यहाँ पर विराजमान है। साथ ही आज के दिन यानी कि गणेश उत्सव का जो पर्व शुरू हो चुका है अब, तो इस सिलसिले में अब देखिए आगे कि यहाँ पर लगातार जो है कोरोना के साथ साथ हर चीज की यानी कि साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, और ऐसे में भक्त जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त ये कीज बनाया गया है, यानी कि ये जो जाली लगाई गई है ये किस लिए लगाई गई है, ये इसलिए नहीं लगाई गई है क्योंकि कोरोना है, ये एक्चुअली स्टार्टिंग से लगी हुई है, और ये इसलिए है ताकि कोई भी भक्त जो है यहाँ पर पूजा ना कर सके इसमें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मंदिर के पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है सुबह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और सभी के मन में कहीं ना कहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई सारी बातें यहाँ पर हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे किसी से बात हो पाए, लेकिन देखिए यहाँ पर फिलहाल सभी कुछ ना कुछ काम में बिजी हैं, कोई ना कहीं एक सेल्फी पॉइंट जो है हर जगह बन जाता है, तो वो अच्छे यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं, और भगवान के साथ यानी कि दोस्तों के साथ सेल्फी सब लोग लेते हैं, लेकिन भगवान के साथ सेल्फी लेने वाली जो भी चीज़ें नहीं आई है ये त्योहारों में आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में गणेश उत्सव में हर जगह भगवान को भी आजकल लोग अपने फोटो में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये था मंदिर परिसर जहाँ हमने जाना कि किस तरीके से भक्त यहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, साथ ही यहाँ पर भक्तों किस तरीके से जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर उल्टा साथियाँ भी बनाते हैं। तो आज चलते हैं आगे और देखते हैं कि मंदिर में और क्या कुछ है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सीहोर के स्वयंभू सिद्धि विनायक मंदिर में, और हमारे साथ यहाँ पर
जो उपचारी व्यवस्था है, प्रबंधन है, उनकी डॉक्टर चारू चंद्रा व्यास जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पूरी पुजारी व्यवस्था देखती हैं। हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस तरह से यह पूजा होती है, मंदिर की मान्यता है मंदिर का। भगवान गणेश जी महाराज स्वयंभू हैं, सिद्धि विनायक हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं और पार्वती में ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पे देखिए तो कितने भक्त यहाँ पर आते हैं। इस बार कोरोना काल में जो है काफी इफेक्टेड रहा है, तो मंदिर ही बंद रहे थे। अब कैसा, अब लोग कैसे आ रहे हैं, प्रोटोकॉल कैसे पालन हो रहा है? जब बहन विद्या पूरे विश्व में व्याप्त थी, तब मैंने स्वयं निर्णय लेकर 19 मार्च को मंदिर लॉकडाउन कर दिया था, संपूर्ण विश्व और मानवता के हित में। वो भारत सरकार का भी निर्णय नहीं था, किसी का नहीं था, लेकिन मैंने स्वयं अपनी बुद्धि गणेश जी की कृपा और उनके आदेश से 19 मार्च को लॉकडाउन कर दिया था। उस समय यहाँ ग्रीन जोन था। गुरुजी, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जिस तरीके से अभी फिलहाल में गणेश उत्सव आया है, तो क्या कुछ कार्यक्रम हर साल होते थे और इस साल क्या कार्यक्रम? परंपरागत रूप से भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी पर 3 दिवसीय मेला रहता था। पूज्यपाद पंडित रघुनंदन प्रसाद जी व्यास मुख्य पूजा